नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा अशोक लेलैंड के बारे में। देखिए, अशोक लेलैंड के ऊपर बहुत बड़ा एक अपडेट है। इसका जो खुद मतलब कंपनी का जो MD है, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया और मेरे हिसाब से उन्होंने जो कमेंटमेंट किया, उस कमेंटमेंट के हिसाब से अगर कंपनी काम कर गए तो कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा धमाका हो सकता है। तो चलो सबसे पहले वो देख लेते हैं कि MD ने क्या मतलब कौन सा अनाउंसमेंट किया और कौन सा बातचीत पब्लिक के सामने रखा। देखिए, कमर्शियल व्हीकल्स सेल्स एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि इम्प्रूव इन H2, और वो भी अशोक लेलैंड MD। मतलब क्या है, आप ध्यान से समझिएगा कि अशोक लेलैंड का जो MD है, उन्होंने खुद कहा कि नेक्स्ट जो क्वार्टर्स आने वाले हैं, ईयर जो खत्म होने वाला है, उससे पहले इसका जो कमर्शियल जो सेल्स है वो कई गुना बढ़ने वाला है। आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कमर्शियल व्हीकल सेल्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने खुद कहा कि हेवी जो ट्रक्स है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आने वाला है सेकेंड हाफ में। सेकेंड हाफ मतलब सेकेंड क्वार्टर में, और वो भी अब सेकेंड क्वार्टर ऑफ द ईयर आफ्टर हिट वेव, सॉरी मतलब जो हिट वेव है उसके बाद यहाँ पे इम्प्रूव आने वाला है। मतलब गर्मी का जो टाइम्स था, उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो सेलिंग था हैवी व्हीकल्स का, तो उसका सेलिंग कम हो गया था। अभी जो सर्दी का और बरसात का अभी टाइम चला है, अभी सर्दी का टाइम आएगा, उस टाइम में सेल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है। ये मेरे बात नहीं है, उनके जो MD है उन्होंने खुद कहा। तो इस न्यूज के बेसिस में अगर मैं कंपनीज को देखूं तो कंपनीज में पहले तो सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है ही। इस बार छोटा मोटा सेल्स डाउन हुआ, सिर्फ अशोक लेलैंड के ऊपर नहीं, बाकी कंपनीज के ऊपर भी सेल्स डाउन हुआ है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव व्यू आपको जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि सेल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव भी हुआ और प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ, प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो सेल्स बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, तो उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक जर्नी भी देखने को मिलेगा। तो अशोक लेलैंड के ऊपर दो चीज़ों को समझना होगा। दो चीज़ों का मतलब क्या है कि अगर कंपनीज को डेटा को देखूं, तो कंपनी के डेटा के अगेंस्ट में देखूं तो कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा एक जर्नी होने के लिए कंपनी तैयार है। जैसे आप टेक्निकली बात करूं तो कंपनी के ऊपर जब मेरा NT बना था वो कुछ इस तरीके से लेवल में, 167 के लेवल में, और तब से लेकर मैं इस कंपनी को होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो टारगेट है, इस टारगेट को फॉलो करके मैं चल रहा हूँ, वो टारगेट निकल कर रहा है करीबन 300 के आसपास। तो 175 से 300 मतलब एक बड़ा सा कंपनी को एंट्री पॉइंट से टारगेट लेवल तक मिलने का चांसेस है, जो टोटल रेंज निकल कर है करीबन 80% के आसपास। मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स आपको देखने को मिला, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, पोटेंशियल करने के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस कंपनी का जो ग्रोथ है बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो डेटा है उसके अगेंस्ट में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, और कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद कंपनी देखिए धीरे धीरे करके रिटेस्ट भी किया, एक ही रेंज के ऊपर कंपनी काम किया और फाइनली ब्रेकआउट करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स देखने को मिला और बेस्ट तरीके से यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिला है, और अपकमिंग टाइम्स में मुझे लग रहा है एक शानदार तरीके से एक टारगेट मिलने का चांसेस है, जो टारगेट रेंज निकल कर है करीबन करीबन 300 लेवल्स तक, 300 लेवल्स तक जाने का चांसेस देखने को मिल रहा है। तो अभी सिचुएशन क्या है, देखिए सिचुएशन के बारे में बात करूँ, कंपनी अभी इस जगह पे थोड़ा सा रुक चुके हैं। अभी रुकने के पीछे एक रीज़न है कि इस बार जो मंथ वाइज जो सेल्स का डेटा आता है, तो इस मंथ में मतलब अगस्त मंथ में जो सेल्स आया, सेल्स का डेटा आया, वो थोड़ा सा कमज़ोर था। मतलब सेल्स में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला, सेल्स थोड़ा सा डाउन हुआ, 7% के आसपास कंपनी का सेल्स डाउन हुआ है, उसके चलते है कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशरइज बनता हुआ देखने को मिला। तो दो तरीके से सीनेरियो बन सकते हैं, आइदर वो नीचे आए तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल वो क्रिएट कर सकते हैं, जो लेवल निकल कर है करीबन 222 रुपीज़ के आसपास, और इसी सपोर्ट लेवल को टच करने के बाद वो बाउंस बैक कर सकते हैं। तो आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए, अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर जो मतलब ग्रोथ है वो थोड़ा सा रुक चुके हैं। क्यों? क्योंकि देखिए चार्ट को देखा जाए तो कंपनी देखिए कंटिन्यूसली एक बाइंग जर्नी दिखाया था, कंपनीज के ऊपर एक पैटर्न्स भी यहाँ पे बने थे, एक कप बने, उसके बाद यहाँ पे छोटा सा हैंडल बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट करने के बाद वो इस लेवल तक पहुँच चुके थे।
मतलब एक अच्छा खासा यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स और टारगेट पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला। और इसी टारगेट पॉइंट्स के बाद कंपनी के ऊपर अगर चीज़ों को समझा जाए तो आप देख सकते हैं कंपनीज के ऊपर कुछ इस तरीके से रेंज क्रिएट हुआ, एक स्ट्रांगली वो रेंज क्रिएट किया और इसी रेंज के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर फिर से एक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर एक कप बन चुके हैं और उसके अगेंस्ट में मुझे एक हैंडल पैटर्न चाहिए। अभी देखिए हैंडल पैटर्न बनने से पहले कंपनी लगातार एक सेलिंग प्रेशर में है, तो यहाँ से जो करेक्शन हो रहा है वो कहाँ तक आ सकता है? पहली बात, 200 डेज मूविंग एवरेज इसके लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल बन सकता है। अगर यहाँ पे टच करे उसके बाद बाउंस बैक करे तो एक अच्छा खासा एक कप के बाद एक अच्छा खासा हैंडल पैटर्न क्रिएट होने का चांसेस है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है उसके अगेंस्ट में देखा जाए कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, जो पैटर्न कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पुश करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि पहले देखिए कंपनी के ऊपर कप बना है, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे हैंडल पैटर्न भी बनेगा, तो कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद ब्रेकआउट होने का चांसेस रहेगा। तो बाकी फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मेरा कोई अभी ट्रेड नहीं है, क्योंकि कंपनी इसके ऊपर अगर मैं डेटा को देखूँ तो कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। लास्ट एक साल की अगर डेटा को देखूँ तो कंपनी इसके ऊपर एक साल में हर क्वार्टर्स में कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले गए। प्रॉफिट को देखेंगे तो प्रॉफिट भी इस बार हाइस्ट जेनरेट हुआ। तो सोचिए जो कंपनी का सेल्स ठीक है, जिस कंपनी का प्रॉफिट ठीक है, उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी जबरदस्त बाइंग करके रखे हैं, खुद एफएसडी माल बढ़ा दिया, डीएस भी, मतलब एफएस और डीएस दोनों ने ही क्वांटिटी को ऐड कर लिया इस बार। तो जो लोग सोच रहे कि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया है फिर से कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, तो मेरे हिसाब से वो लोग अभी समझ जाइए, क्योंकि चांसेस चांसेस जो है वो बहुत कम है। क्योंकि पहले कंपनी के ऊपर अचानक इस तरीके से आरोप लग गया था तो कंपनी उसको समझ नहीं पाए। अभी कंपनी के मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, उसको हर जगह से कवर करने के लिए तैयार है। तो अदानी ग्रुप के ऊपर मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट अदानी पोर्ट्स के ऊपर करता हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मुझे सारे पॉइंट्स बेस्ट लगता है। हाँ, मानता हूँ कंपनी के पास एक टाइम बहुत ज़्यादा कर्जा था, अभी धीरे धीरे करके देखिए खुद के कर्जे को भी वो कम कर रहा है। जो पिछले बार 53,000 करोड़ के आसपास कर्जा था, इस बार 49,000 करोड़ का कर्जा है। हाँ, यहाँ पे मन में क्वेश्चन नहीं आएगा कि इतना ज़्यादा कर्जा लिया क्या वो मिटा सकते हैं? बिल्कुल मिटा सकते हैं, क्योंकि हाथ में रिजर्व भी 50 करोड़ है और हाथ में फिक्स एसेट 75,000 करोड़ है। तो अगर कल को कर्जा मिटाने भी पड़े तो वो खुद के एसेट को बेचकर तो वो इजिली मिटा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कंपनी में स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ के बेसिस पे कंपनी आगे इजिली बढ़ सकते हैं। तो रही बात मेरा इस पैटर्न्स का, तो पैटर्न्स जब तक कंप्लीट ना हो तब तक काम करना सही नहीं रहेगा मेरे लिए। तो इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कोई भी पैटर्न्स कंप्लीट हो तो उसके ऊपर मैं जरूर एक पॉजिटिव एंट्री लेने वाला हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अदानी टोटल गैस। तो बेसिकली अदानी टोटल गैस के ऊपर एक चीज़ को मैं नोटिस करा दूँ कि कंपनीज के ऊपर सबसे पहले जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो डेटा आपको बता दूँ। अदानी टोटल गैस कोई बड़े कंपनी नहीं है, मतलब सॉरी, एक छोटे कंपनी नहीं है, एक बड़े कंपनी है। और गैस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, मतलब देखा जाए तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के हिसाब से कंपनी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। क्योंकि गेल के बाद अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है वो है अदानी टोटल गैस। तो अदानी टोटल गैस के ऊपर अभी फिलहाल के लिए हालत क्या है वो जानने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को नज़र करना होगा, जैसे कंपनी के सेल्स का ग्रोथ, रेवेन्यूज देखिए लगातार वो बढ़ते चले जा रहे हैं, अच्छा खासा रेवेन्यूज देखने को मिला, प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांगली है। तो जो कंपनी का रेवेन्यूज ठीक है, जो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ ठीक है, तो उस कंपनी के ऊपर प्रेशर जो है वो उतना ज़्यादा ना होने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ आने का चांसेस है और इसी ग्रोथ के बेसिस में कंपनी कंटिन्यूसली जर्नी भी दिखा सकते हैं। और मेरे हिसाब से जिस तरीके से कंपनी के ऊपर ग्रोथ देखने को मिला है उस ग्रोथ के हिसाब से कंपनी के ऊपर अच्छा खासा पॉजिटिव यहाँ पे जर्नी भी मिलने का चांसेस है। तो चलो मैं कुछ पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, इस पॉइंट्स के बेसिस में कंपनी के ऊपर पॉजिटिव मोमेंटम मैं लेकर चलूंगा। वो डेटा अगर दिखा दूँ आप देखेंगे तो बैलेंस शीट में कंपनी के जो बोरिंग्स है वो 1500 के आसपास है, 1500 करोड़ के आसपास है, और रिजर्व 3400 करोड़, और कंपनी का फिक्स्ड एसेट 3000 करोड़ के आसपास। तो देखिए एफआईएस और डीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है, जिसके कारण कंपनी के एक पॉजिटिव व्यू देखने को मिला। तो इस कंपनी के ऊपर जो डेटा देखने को मिला कुछ इस तरीके से रेंज क्रिएट हुआ, इस रेंज के अगेंस्ट में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर लगातार एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर इस लेवल तक आए तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे एंट्री बन सकते हैं और इस टॉप पिक लेवल तक इसका टारगेट बनने का चांसेस है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री और टारगेट पॉइंट यहाँ पे मिलने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना।
वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक भी कर देना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एक्सीटा कॉटन्स लिमिटेड, जो एक छोटा सा कंपनी है। फिर भी इसके ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी के ऊपर बोनस मिलने का चांसेस है। देखिए कंपनी 20 तारीख को कंपनी 1/3 का बोनस देने वाला है, तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।